सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक फिल्म शोले तो याद ही होगी। इस फिल्म का एक सीन बहुत पॉपुलर हुआ था जिसमें एक्ट्रेस हेमा मालिनी कहती है, चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। इस सीन को फिल्माते वक्त हेमा मालिनी के बदले एक स्टंट वूमेन ने इस खतरनाक स्टंट को अंजाम दिया था। वो महिला देश की पहली महिला स्टंट कलाकार है जिनका नाम है रेशमा पठान। 90 के दशक में सभी डायरेक्टर एक्ट्रेस से स्टंट करवाने की बजाय रेशमा पठान से स्टंट करवाते थे। हेमा मालिनी की लगभग सभी फिल्मों में जितने भी स्टंट थे सभी रेशमा पठान ने किए थे। रेशमा पठान बॉलीवुड की लगभग 400 फिल्मों के लिए स्टंट कर चुकी हैं। कई बार स्टंट करते हुए वो बाल बाल बची हैं। स्टंट करते हुए उनको कई बार गहरी चोटें भी आई हैं। अब उनके ऊपर एक बायोपिक बनाई गई है जिसका नाम है द शोले गर्ल। इस बायोपिक में बताया गया है कि कैसे रेशमा पठान एक गांव की लड़की होते हुए और गरीब घर की लड़की होते हुए फिल्मों में पहुंची। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में कई कलाकारों के लिए अपना खून बहाया है। उनके द्वारा किए गए स्टंट्स की वजह से ही हेमा मालिनी और मीनाक्षी सेसाद्री बहुत प्रसिद्ध हुई थी। स्टंट वो करती थी, खून वो बहाती थी और नाम कमाती थी हेमा मालिनी। आप खुद ही सुन लीजिए रेशमा पठान की दास्तां। और अगर हीरोइन या हीरो आ रहा है या डायरेक्टर आ रहा है कोई, अरे रेशमा जरा उठ तो हीरोइन आई है चेयर देने की, तो बहुत दिल को दुख लगता था कि यार वो भी वही चीज़ करते हैं एक्टिंग, हम भी एक्टिंग करते हैं ठीक है, और हम तो जान अपनी हथेली पर रख कर करते हैं और हमको उठाकर उसको बिठाया जाता है। फिर ये सोच लेती थी हो सक उनके नाम पर पिक्चर बिकती है, हमारे नाम पर नहीं बिकती। अब पिक्चर देखने गए शोले, वहाँ पर लोग ताली बजा रहे, क्या हिमा ने किया है, बुरा लगता था, लेकिन फिर सोचते जाने दे, पैसा तो अपने को मिला है। दोस्तों, ऐसी महिलाओं को और ऐसी सोच को सलाम करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए मेहनत करते रहते हैं, कुछ लोग अलग करके दिखाते हैं, उनमें से ही एक है रेशमा पठान। रेशमा पठान की ज़िंदगी का पूरा संघर्ष उन पर बनी बायोपिक द शोले गर्ल में दिखाया गया है। उनकी बायोपिक एक बार जरूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।